हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो आईपीएल 2020 की ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है, प्लेयर्स रिलीज किए जा रहे हैं, प्लेयर्स एक्सचेंज भी हो रहे हैं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे पांच प्लेयर्स के बारे में जिनको उनकी टीम इस साल के लिए रिलीज कर सकती है और वो अगले साल आईपीएल ऑक्शन का पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर का नाम आता है करुण नायर का। करुण नायर एक काफी टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, टेस्ट में उनके नाम एक ट्रिपल सेंचुरी दर्ज है, पर पिछले दो साल से आईपीएल में उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब का वो पार्ट है पर उनको खेलने के मौके नहीं दिए जा रहे। 2019 के आईपीएल में उनको खेलने के लिए सिर्फ एक मैच मिला और जितने टैलेंटेड प्लेयर है करुण नायर उनके लिए बहुत ज्यादा कम है, उनको मौके डिजर्व करते हैं। तो इस बार उनको किंग्स इलेवन पंजाब में टीम से रिलीज कर सकता है और राजस्थान रॉयल्स उनको जरूर से टारगेट कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बहुत ज्यादा जरूरत है। करुण नायर पहले भी राजस्थान का पार्ट रह चुके हैं तो इस बार उनको टीम रिलीज कर सकती है पंजाब की और राजस्थान उनको जरूर से खरीद सकती है इस बार के आईपीएल ऑक्शन में। इस लिस्ट के अंदर दूसरा नाम आता है कॉलिन मनरो का। कॉलिन मनरो एक काफी टैलेंटेड टी20 प्लेयर है, काफी डिस्ट्रक्टिव टी20 प्लेयर है, पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का वो पार्ट है जहां पे उनको मौके मिलने थे मुश्किल है। मेन बात यह कि कॉलिन मनरो ओपनिंग के अलावा कहीं अच्छे से खेल नहीं सकते। इनको इस बार के आईपीएल में कुछ मैचों में नंबर 3 पे खिलाया गया था पर वहां वो कुछ खास नहीं कर पाए। ओपनिंग के अंदर ऑलरेडी शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ है और बात चल रही कि अजिंक्य रहाणे भी टीम में शामिल होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से कॉलिन मनरो को दिल्ली रिलीज कर देगा और ऐसी कोई टीम लगती नहीं है जो कॉलिन मनरो को बाय कर पाए। क्या पता था बैकअप अपना खरीद ले, पर कॉलिन मनरो को इस बार दिल्ली जरूर से रिलीज कर सकती है अपनी टीम से। इस लिस्ट के अंदर तीसरा नाम आता है रविचंद्र अश्विन का। ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि पंजाब उनको अपनी टीम से रिलीज करने वाला है। पिछले दो साल तक वो टीम के कप्तान थे और वो कुछ खास नहीं कर पाए, टीम प्लेऑफ के अंदर भी नहीं जा पाई और अश्विन का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा। तो किंग्स इलेवन पंजाब उनको रिलीज करने वाला है, अश्विन को ये ऑलमोस्ट खबर पक्की हो चुकी है और उनको आरसीबी टारगेट कर सकती है। आरसीबी को एक स्पिनर की जरूरत भी जो कि एक्सपीरियंस हो और उसके अलावा माइक हैसन जो पिछली बार पंजाब के कोच थे वो इस बार आरसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम के अंदर है। तो आर अश्विन का भी रिलीज होना ऑलमोस्ट पक्का है इस बार। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कॉलिन डी ग्रैंडहोम का। कॉलिन डी ग्रैंडहोम एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं पर इस बार उनका रिलीज होना भी ऑलमोस्ट पक्का है। मेन बात यह कि आरसीबी के पास कुछ ज्यादा ही ऑलराउंडर हो चुके हैं। मार्कस टॉइन इस टीम में है, मोइन अली टीम में है, शिवम दुबे टीम में है, वॉशिंगटन सुंदर टीम में है। तो ऑलरेडी इतने सारे ऑलराउंडर के बीच में कॉलिन डी ग्रैंडहोम को जगह बनाना काफी मुश्किल लग रहा है। मोइन अली और मार्कस टॉइन को ज्यादा परफॉर्म किया जाता है कॉलिन डी ग्रैंडहोम के ऊपर। तो वो भी ऐसे प्लेयर है जिनको टीम रिलीज कर सकती है। काफी सारी टीमों को ऑलराउंडर की जरूरत होती है, खासकर दिल्ली कैपिटल्स को भी एक ऑलराउंडर चाहिए। तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम के पीछे भी काफी टीम पड़ सकती है इस बार के आईपीएल ऑक्शन के अंदर। और इस लिस्ट के अंदर आखिरी नाम आता है रॉबिन उथप्पा का। रॉबिन उथप्पा पिछले कुछ बहुत सालों से खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। वो टीम का अभिन्न अंग माना जाता है। जब टीम दो बार आईपीएल जीती, दोनों बार बहुत बड़ा रोल था रॉबिन उथप्पा का और एक बार उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता था, पर अब लग रहा है उनका केकेआर के लिए टाइम खत्म होने वाला है। पिछले साल के आईपीएल में भी बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए, उनको मिड वे थ्रू द टूर्नामेंट उनको ड्रॉप कर दिया था टीम ने और इस बार उनका टीम में होना बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से केकेआर उनको ड्रॉप कर देगी। देखने वाली बात होगी क्या उनको कोई टीम टारगेट करती कि नहीं करती। हालांकि काफी एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तो क्या पता उनको कोई टीम टारगेट कर जाए, पर कोलकाता नाइट राइडर्स जरूर से इस बार रिलीज करने वाली रॉबिन उथप्पा को। तो ये थे ऐसे पांच प्लेयर जो कि टीम उनको रिलीज कर सकती है। अगर आपको कोई और प्लेयर लगता है जो को रिलीज होने वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपकी राय क्या है इसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।